नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर जालौन उरई से। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को बिजली विभाग की लगातार मिल रही शिकायतों पर विभाग का निरीक्षण किया और जिले में बेहतर बिजली व्यवस्था देने के लिए विभाग को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए। उन्होंने सभी अपर अभियंताओं को निर्देश दिया कि बिजली की आंख मिचौली बंद करें, समय पर बिजली उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया कराएं, जिससे शहरी इलाकों समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था काफी ठीक हो सके। बिजली व्यवस्था काफी खराब चल रही है, जिसके लिए विद्युत आपूर्ति निर्विरोध गति से जारी रखी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम ट्रिपिंग हो। साथ ही सरकारी खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के अंदर बदलवाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और साथ ही जिलाधिकारी जालौन प्रियंका निरंजन द्वारा 132 केवीए कालपी रोड उरई एवं 332 केवीए राहिया की बिजली घरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं को देखकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि शासन से निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली उपलब्ध कराएं। साथ ही अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और साथ ही रजिस्टर चेक किए। जालौन उरई से मोनू शर्मा की रिपोर्ट।